हाय दोस्तों, कैसे हो सब? ऑक क्रिएशन स्टूडियो के इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुलसी के फायदे, उपयोग और औषधीय गुणों के बारे में। भारत के अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। हमारे ऋषियों को लाखों वर्ष पूर्व तुलसी के औषधीय गुणों का ज्ञान था, इसलिए इसे दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए प्रमुख स्थान दिया गया है। आयुर्वेद में भी तुलसी के फायदों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको तुलसी के फायदे, औषधीय गुणों और उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर इस औषधीय पौधे को प्रत्यक्ष देवी कहा जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा उपयोगी औषधि मनुष्य जाति के लिए दूसरी कोई नहीं है। तुलसी के धार्मिक महत्व के कारण हर घर आंगन में इसके पौधे लगाए जाते हैं। तुलसी की तीन प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें राम तुलसी, कृष्णा तुलसी और वन तुलसी शामिल है। औषधीय उपयोग की दृष्टि से तुलसी की पत्तियां ज्यादा गुणकारी मानी जाती हैं। इनको आप सीधे पौधे से लेकर खा सकते हैं। तुलसी के पत्तों की तरह तुलसी के बीज के फायदे भी अनगिनत होते हैं। आप तुलसी के बीज और पत्तियों के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग आप कफ, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्ते के फायदे बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, मलेरिया और बैक्टीरियल संक्रमण आदि में बहुत फायदेमंद है। तुलसी के औषधीय गुणों में राम तुलसी की तुलना में श्याम तुलसी को प्रमुख माना गया है। आइए तुलसी के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दिमाग के लिए भी तुलसी के फायदे लाजवाब तरीके से काम करते हैं। इसके रोजाना सेवन से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है और याददाश्त तेज होती है। इसके लिए रोजाना तुलसी की 4-5 पत्तियों को पानी के साथ निगलकर खाएं। ज्यादा काम करने या अधिक तनाव में होने पर सिर दर्द होना एक आम बात है। अगर आप भी अक्सर सिर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं, तो तुलसी के तेल की 1-2 बूंद नाक में डालें। इस तेल को नाक में डालने से पुराने सिर दर्द और सिर से जुड़े अन्य रोगों में आराम मिलता है। सबसे जरूरी बात ये है कि तुलसी के उपयोग करने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आपके सर में जुएं पड़ गई हैं और कई दिनों से यह समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो बालों में तुलसी का तेल लगाएं। तुलसी के पौधे से तुलसी की पत्तियां लेकर उससे तेल बनाकर बालों में लगाने से उनमें मौजूद जूं और लीकें मर जाती हैं। तुलसी की पत्तियां कान के दर्द और सूजन से आराम दिलाने में भी असरदार हैं। अगर कान में दर्द है, तो तुलसी रस को गर्म करके 2-2 बूंद कान में डालें। इससे कान दर्द से जल्दी आराम मिलता है। इसी तरह अगर कान के पीछे वाले हिस्से में सूजन है, तो इससे आराम पाने के लिए तुलसी के पत्ते तथा हिरण की कोपलों को पीसकर इसमें थोड़ा नमक मिलाकर गुनगुना करके लेप लगाएं।
तुलसी के पत्ते खाने से कान दर्द में राहत मिलती है। तुलसी की पत्तियां दांत दर्द से आराम दिलाने में भी कारगर है। दांत दर्द से आराम पाने के लिए काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दांत के नीचे रखने से दांत के दर्द से आराम मिलता है। सर्दी जुकाम होने पर या मौसम के बदलाव होने पर अक्सर गले में खराश या गला बैठ जाने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तुलसी की पत्तियां गले से जुड़े विकारों को दूर करने में बहुत ही लाभप्रद हैं। गले की समस्याओं से आराम पाने के लिए तुलसी के रस को हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर उससे कुला करें। इसके अलावा तुलसी रस युक्त जल में हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करने से मुख, दांत तथा गले के सब विकार दूर होते हैं। तुलसी की पत्तियां अस्थमा के मरीजों और सूखी खांसी से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही गुणकारी है। इसके लिए तुलसी की मंजरी सौंठ, प्याज का रस और शहद को मिला लें और इस मिश्रण को चाट कर खाएं। इसके सेवन से सूखी खांसी और दमे में लाभ होता है। गलत खान पान या प्रदूषित पानी की वजह से अक्सर लोग डायरिया की चपेट में आ जाते हैं। खासतौर पर बच्चों को यह समस्या बहुत होती है। तुलसी की पत्तियां डायरिया, पेट में मरोड़ आदि समस्याओं से आराम दिलाने में कारगर है। इसके लिए तुलसी की 10 पत्तियां और 1 ग्राम जीरा दोनों को पीसकर शहद में मिलाकर उसका सेवन करें। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है या फिर आप अपच की समस्या से पीड़ित रहते हैं तो तुलसी का सेवन करें। इसके लिए तुलसी की 2 ग्राम अंजीर को पीसकर काले नमक के साथ दिन में 3 से 4 बार लें। मूत्र में जलन होने पर भी तुलसी के बीज का उपयोग करने से आराम मिलता है। तुलसी के बीज और जीरे का चून 1 ग्राम लेकर उसमें 3 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ लेने से मूत्र में जलन में लाभ होता है। अगर आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो जान लें कि तुलसी का सेवन कुष्ठ रोग में कुछ हद तक दूर करने में सहायक है। आयुर्वेद के अनुसार 10 से 20 मिलीग्राम तुलसी अर्क को प्रतिदिन सुबह पीने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। पीलिया या कांबला एक जैसी बीमारी है जिसका सही समय पर इलाज ना करवाने से यह आगे चलकर गंभीर बीमारी बन जाती है। 1-2 ग्राम तुलसी के पत्तों को पीसकर छाछ के साथ मिलाकर पीने से पीलिया में लाभ होता है। इसके अलावा तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से भी पीलिया में आराम मिलता है। पथरी की समस्या होने पर भी तुलसी का सेवन करना फायदेमंद रहता है। इसके लिए तुलसी की 1-2 ग्राम पत्तियों को पीसकर शहद के साथ खाएं। यह पथरी को बाहर निकालने में मददगार होती हैं। हालांकि पथरी होने पर सिर्फ घरेलू उपाय पर निर्भर ना रहें बल्कि नज़दीकी डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। प्रसव के बाद महिलाओं को तेज दर्द होता है और इस दर्द को दूर करने के लिए तुलसी की पत्तियां काफी लाभदायक हैं। तुलसी अर्क में पुराना गुड़ तथा खांड मिलाकर प्रसव होने के बाद तुरंत पिलाने से प्रसव के बाद होने वाले दर्द से आराम मिलता है। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे सर्दी जुकाम और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। 20 ग्राम तुलसी बीज चूर्ण में 40 ग्राम मिश्री मिलाकर पीस कर रख लें। सर्दियों में इस मिश्रण की 1 ग्राम मात्रा का कुछ दिन सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कफ से जुड़े रोगों से मुक्ति मिलती है।
तुलसी का पौधा मलेरिया प्रतिरोधी है। तुलसी के पौधों को छूकर वायु में कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जिस कारण मलेरिया के मच्छर वहां से भाग जाते हैं और इसके पास नहीं फटकते। तुलसी पत्तों का काढ़ा बनाकर सुबह, दोपहर और शाम को पीने से मलेरिया में लाभ होता है। तुलसी अर्क के फायदों से टाइफाइड का बुखार जल्दी ठीक होता है। यही नहीं बल्कि 20 तुलसी के पत्ते और 10 काली मिर्च के दानों को मिलाकर काढ़ा बना लें और किसी भी तरह का बुखार होने पर सुबह, दोपहर और शाम इस काढ़े का सेवन करें। यह काढ़ा सभी प्रकार के बुखार में आराम दिलाने में कारगर है। दाद और खुजली में तुलसी का अर्क अपने रोपक गुण के कारण लाभदायक होता है। यह दाद में होने वाली खुजली को कम करता है और साथ ही उसके घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। यदि तुलसी के अर्क का सेवन किया जाए तो यह रक्त शोधक होने के कारण अशुद्ध रक्त का शोधन अर्थात रक्त को साफ करता है। सांसों की दुर्गंध ज्यादातर पाचन शक्ति कमजोर हो जाने के कारण होती है। तुलसी अपने दीपन और पाचन गुण के कारण सांसों की दुर्गंध को दूर करने में सहायक होती है। इसमें अपनी स्वाभाविक सुगंध होने के कारण भी यह सांसों की दुर्गंध का नाश करती है। तो दोस्तों, ये थे घरेलू उपचार जो कि तुलसी से आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप भी किसी खास बीमारी के इलाज के लिए तुलसी का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। Thanks for watching this video. Have a nice day.